अस्सलाम वालेकुम, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ शाही टुकड़े की बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि बहुत कम टाइम में तैयार होती है और कोई ज़्यादा झंझट नहीं। तो चलिए फटाफट से आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। शाही टुकड़ा बनाने के लिए एक बड़ी वाली हमने स्लाइस वाले ब्रेड ली है और मैंने क्या किया, इसकी एजेस जो है दो साइडों से कटिंग कर ली है और मैंने डबल डबल रखी ताकि इसकी जो शाही टुकड़ा है ना मेरा मोटा लगे, पीस मेरे मोटे मोटे से आए। तो मैंने क्या किया, सब इसमें सेटिंग कर ली क्योंकि इसी में बनाना है, इसलिए इसी के हिसाब से मैंने डबल डबल सारे पीसेस रख कर इसकी सेटिंग बना ली है। ये देखिए, एक पीस की दो बना लिए जो साइडों में लगा दिया है। इस तरह से हमें शाही टुकड़े की तैयारी करनी है। इसको अभी भी फ्राई करना है। एक लीटर दूध लिया है हमने, जो है थोड़ा दूध हमने ले लिया है चाशनी बनाने के लिए और इसको क्रीम बनाएंगे। तो मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 200 ग्राम से भी कम लिए कि जैसे मीठा ज़्यादा पसंद हो तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये थोड़े मीठे ही अच्छे लगते हैं। और मैंने लिया 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ये जो है इसको जो है क्या करना है, इसको हमें पानी डालकर, ठंडा पानी डालकर इसे घोल बना लेना है। इसकी हमें क्रीम में काम आएगा, क्रीम बनाएंगे। और मैंने थोड़ा सा मावा लिया है और फूड कलर केसरी वाला। तो एक कढ़ाई में ऑयल हमने गरम करने को रख दिया। आप ऑयल घी जिसमें पसंद करें बनाना उसे गरम कर सकते हैं और उसी में फ्राई कर सकते हैं। तो अब ऑयल मेरा थोड़ा मीडियम हीट है, मैं ज़्यादा इसमें हाई नहीं करनी है। और इसको डालेंगे एक एक करके, दो दो करके, जितनी भी आपके पास जगह हो उस हिसाब से इन पीसों को फ्राई करना है। इसको डीप फ्राई करना है अच्छे से गोल्डन कलर आने तक। पीस हमारे देखिए कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन आ गया है। तो इसी तरह के हमें सारे पीसेस को फ्राई कर लेना है। तो दूध हमारा अच्छे से बॉयल करने को हमने रख दिया था, बॉयल हो गया है। और जो मैंने ब्रेड के पीस दिखाए थे वो सारे मैंने इस तरह से फ्राई कर लिए। अब हमें दूध चढ़ा दिया है, दूध हमारा अच्छे से उबाल आ गया है। इसमें डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर, ये मेरा होम मेड छोटी इलायची का पाउडर है, मैंने इसे चीनी के साथ पीसा है। अच्छा, इसमें शामिल कर देंगे और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा केवड़ा, ऐसे ऐसे अच्छी सी खुशबू रिचनेस वाली है तो हमारी क्रीम में। तो इस तरह से इसको डाल देंगे और इसमें डाल देंगे, अब हम शामिल करेंगे खोया, जो मैंने जो है इसको थोड़ा सा मैश करके रख दिया था। तो ग्राम से मेरा ये 150 ग्राम के करीब है। खोए की मिकदार आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकती हैं, तो घटाइएगा तो खतई नहीं, लेकिन बढ़ा ज़रूर दीजिएगा। तो इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके पका लेते हैं पहले, ताकि मेरा खोया इसमें अच्छे से मैश होकर पक जाए। तो क्रीम हमारी फीकी ना बने तो हमें क्या करना है, इसमें शामिल करना है चीनी। चीनी आपके पास पीसी वाली जो भी हो वो इसमें शामिल कर सकती हैं। तो मीठा जो है इसमें ज़्यादा नहीं ज़रूरत है, बस थोड़ा सा मैं ये 2 टीस्पून जो है थोड़ा सा बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। मीठा जो है थोड़ा अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा मीठे की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी मैं इसमें पका लेती हूँ। तो चीनी भी हमारी डिज़ोल्व हो गई है, मेरा खोया भी अच्छे से पक गया है और इलायची की खुशबू भी अच्छी निकलने लगी है। तो कॉर्नफ्लावर जो मैंने जो है घोल के रखा था, इसे थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे। तो इसको मैं ना एकदम से नहीं डालने वाली हूँ, वरना लम्स पड़ जाएंगे और क्रीम में घुलती घुलती अच्छी नहीं लगेगी। तो बस इसको मैं शामिल कर लेती हूँ 3 बार करके और इसको धीमी थोड़ी सी फ्लेम कर देंगे। अच्छा, जो काले काले आपको दिखाई दे रहे छोटी इलायची हैं, हाँ इसको जो है इलायची है, इसमें कुछ वो नहीं है। तो बस थोड़ी देर मैं इसे पका लेती हूँ, थोड़ी देर लाइट सी, कच्चापन निकल जाए कॉर्नफ्लोर का। तो शाही टुकड़े पे डालने के लिए क्रीम हमारी बनकर तैयार है। अब इसको हम गैस की फ्लेम बंद करते हैं और इसको रखते हैं साइड में। तो जिस परात में आपको तैयार करना है, मैंने एक बड़ी परात ली हुई है और उसमें मैंने दूध डाल दिया जिसमें चाशनी तैयार करनी मैंने दिखाई थी। इसमें छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे जिसे मैंने होममेड है मैंने बताया हुआ था। और इसमें डालेंगे थोड़ा केवड़ा और इसमें डालेंगे फूड कलर, अगर आपके पास केसर हो तो थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं। और बहुत थोड़ा सा डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, जितना कलर आप पसंद करते हो उस हिसाब से डालिएगा। जब देखिएगा कलर हो गया आपके मतलब का तो छोड़ दीजिएगा। तो मैं इसमें डाल रही हूँ इसकी चाशनी तैयार करूँ, इसी में तैयार करूँगी और इसी में पीस डिप कर दूँगी। और इसमें शामिल करूँगी चीनी। तो चीनी मैंने एक कटोरी ली है, ग्राम से 200 ग्राम के करीब है। और मीठा अपने हिसाब से जितना खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालिएगा। इसमें जो है चीनी डिज़ोल्व कर लेते हैं। तो चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए, बस हमें चाशनी को तार वगैरह की नहीं बनानी है, बस ऐसे ही बनानी है। अब क्या करना है, हमें सारे पीसेस इसमें डिप करते रहना है। इसमें इस हिसाब से डाल दिएगा जिस हिसाब से आपने सेटिंग बनाई है।
तो क्या करना है, इस तरह से आप डालिए, डबल पीस करिए। डबल पीस करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा शाही टुकड़ा जो है, पीस जो है, कटे हुए आते हैं और ये जो है ज़्यादा मोटे नहीं होते। तो हम अगर इस तरह से डबल डबल पीस बनाएंगे तो हमारे पीस जो हैं अच्छे से बनेंगे, मतलब हमारा डबल डबल शाही टुकड़ा होगा तो मेरा मोटा पीस निकलेगा। तो सारे पीसों को मैंने डाल दिया और मैंने छोटे छोटे पीस भी साइड में डालने के लिए फ्राई कर लिए थे, जो मैंने नहीं दिखाया आपको। तो जो जो जगह खाली दिखे ना, उसमें आप इसमें डाल दीजिए, जहाँ पे भी जगह दिखे उस तरह डाल दिया। अब क्या करना है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रेस करते हुए दबाना, ताकि हमारे सारे पीसों में अच्छे से चाशनी जज्ब हो सके, इसमें जा सके, ताकि फूलेंगे तभी ना जब चाशनी इसमें अच्छे से पियेंगे। और ये दूध की चाशनी बनाइएगा, पानी की चाशनी खाते ही ना बनाइएगा, वरना शाही टुकड़ा आपका हो जाएगा ख़राब। तो इसको बस इसी तरह से थोड़ा प्रेस कर करके, टूटे ना, हल्के हाथों से प्रेस कीजिएगा। इस तरह से इसको आप दबाते रहिए। तो देखिए चाशनी में पक रहे हैं, इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, 5 से 10 मिनट में ही तैयार हो जाएगी। तो क्या करना है, चाशनी को हमें इस तरह से थोड़ा सा थोड़ा दबाते रहना, ताकि मेरे सारे पीसों में चाशनी जाए। बस ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगती है, फटाफट बन जाते हैं। तो सब तरफ से हमें इसकी जो है गैस की फ्लेम जो है मैंने थोड़ी हाई कर दी थी, अब स्लो कर देना है और इसे जो है धीमे धीमे पे इसी तरह पकते रहना है। 5 मिनट तक और पकाते हैं और चाशनी मेरी जैसे ही सूखने लगती है वैसे ही गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो चाशनी मेरी थोड़ी रह गई है, अब गैस की फ्लेम बंद करेंगे, थोड़े पीस जो है थोड़ा पियेंगे, सोख लेंगे। तो इसे मैं गैस की फ्लेम बंद करके थोड़ी साइड में रख देती हूँ। तो चाशनी हमारी थोड़ी जज्ब हो चुकी है, बस मेरे 5 मिनट हुए होंगे, ज़्यादा नहीं। अब देखिए चाशनी बिल्कुल हो गई, अब हमें क्या डालना है, इस पर क्रीम डालना है। जो मैंने क्रीम बनाई थी ना, वो अच्छे से मुझे लेयरिंग करनी है। अच्छा, अपने हिसाब से क्रीम डालिएगा, जितनी आप पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें डालिएगा क्रीम। तो क्रीम डालने के बाद जो है इसमें डालना है टूटी फूटी, ये देखिए आपके पास जिस तरह भी जो कलर की हो डाल सकते हैं। तो मैं इसे डाल देती हूँ और ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसको डाल देंगे और इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो हमारा शाही टुकड़ा थोड़ा सेट हो चुका है, अभी गर्मी है, इसको फ्रिज में रख के सेट करिएगा तो जल्दी से और अच्छे से सेट होगा। इसमें शाइनी शाइनी करने के लिए थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डाल दिएगा, इससे हमारा शाइनी शाइनी होगा। और इसे हम निकालते हैं, सर्व करते हैं, देखिए इस तरह से, और ये बहुत टेस्टी बनता है और यमी भी। और इसमें जो देसी घी पड़ गया ना ऊपर से, तो ये बहुत टेस्टी हो गया। तो फटाफट से हमारा शाही टुकड़ा बनकर तैयार है, बहुत इजी आसान मस्त रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और शाही टुकड़ा बनाने का हमारा तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।